और अभी आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत ने अमरीकी सदर की जानब से जानबदारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। कहा गया है कि ट्रंप बाज रहे, ये वक्त फंड्स रोकने का नहीं। आलमी इदारा सेहत ने सदर ट्रंप की जानब से लगाए गए जानबदारी के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस वबा जैसे नाजुक सूरत हाल में फंड रोकने की धमकी नामुनासिब रवैया है। आलमी इदारा सेहत के डीजी के मुशीर ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि WHO एक गैर जानबदार इदारा है जिसने चीन समेत कोरोना वायरस में मुबतला दीगर ममालिक की यकसा मदद की है। इस हवाले से सदर ट्रंप का बयान हकायक के मनाफी है। डॉक्टर ब्रूस एल्बर्ट ने सदर ट्रंप की फंड्स बंद करने की धमकी की मजम्मत करते हुए कहा है कि दुनिया एक खतरनाक वायरस से नबर्दाजमा है और ये वक्त फंडिंग रोकने का नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ मजबूत करने का है। आलमी इदारा सेहत के डीजी के मुशीर ने यूरोप में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा है कि इन ममालिक की हुकूमतें कोरोना वायरस के खिलाफ सख्त और ठोस इकदाम उठाएं और हर किस्म की एहतियाती तदाबीर को लाजमी इख्तियार करें। सदर ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत पर चीन के लिए जानबदार होने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सुस्त रवि के साथ फैसले और इकदाम किए गए हैं जिनकी वजह से ये आलमी वबा संगीन हो गई है।